अभी कुछ दिनों पहले ही जैस्मिन अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करके अपने घर लौटी थी। जैस्मिन को आज उसकी फैमिली के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन अटेंड करने जाना था, लेकिन घर से निकलते हुए अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए घर वालों ने उसे मेड की देखरेख में घर पर रुकने को कहा। कुछ देर आराम करने के बाद जैस्मिन की तबीयत पहले से कुछ ठीक हो गई। वो अकेली घर पर बोर हो रही थी, इसीलिए वो अपना कंप्यूटर ऑन करके इंटरनेट पर कुछ ऑनलाइन गेम सर्च करने लगी। तभी उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो फ्लैश हुई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द डेथ गेम, प्ले इट एट योर ओन रिस्क। जैस्मिन ने एक्साइटेड होकर तुरंत ही उस वीडियो को प्ले कर दिया और बड़े ही ध्यान से उस वीडियो को देखने लगी। जैस्मिन को हमेशा से ही आत्माओं की दुनिया के बारे में जानने की बड़ी दिलचस्पी रहती थी, इसीलिए अक्सर ही वो अपने कॉलेज में भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही हॉन्टेड गेम्स खेला करती थी। इसलिए उसने उस गेम को देखकर अकेले ही उसे खेलने का मन बना लिया। वीडियो के एंड में उस गेम के रूल्स लिखे थे, जिसमें साफ अक्षरों में ये लिखा था कि इस गेम को उन आत्माओं की मुक्ति के लिए बनाया गया है जो मरने के बाद भी आज भी हमारे बीच मुक्ति पाने के लिए भटक रही है, और एक बार गेम शुरू होने के बाद इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। प्ले इट एट योर ओन रिस्क। उन वार्निंग को पढ़ने के बाद भी जैस्मिन उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो गई, और उस गेम को खेलने के लिए उसने अपने फर्श पर व्हाइट चौक से एक स्टार की आकृति बनाई और उसके दोनों तरफ उसने यस और नो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, जैसा कि उस वीडियो गेम में दिखाया गया था। तभी उसे याद आया कि इस गेम को खेलने के लिए उसे एक डॉल भी चाहिए, जिसके जरिए वो उन आत्माओं से बात कर सके। वो उठी और उसने अपने बिस्तर पर रखी अपनी डॉल को उठाया और उसे उस स्टार के बीचों बीच ले जाकर रख दिया। अगले रूल के अकॉर्डिंग उसने अपने सर से अपने कुछ बालों को तोड़ा और एक कपड़े में लपेटकर उसे उस डॉल के हाथ पर बांध दिया, और एक चाकू से अपनी उंगली पर हल्का सा घाव करके उसने अपने खून को उस डॉल पर टपका दिया, और अपनी आंखें बंद करके वीडियो में दिखाए गए एक मंत्र को बार बार बड़बड़ाने लगी। कुछ ही देर में उसे अपने कमरे में कुछ अजीब सी हलचल सुनाई दी, मानो कोई तेज कदमों से उसके कमरे में इधर से उधर दौड़ रहा हो। उस हलचल से जैस्मिन का मन अचानक थोड़ा घबरा गया, लेकिन गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वो अपनी आंखें बंद कर लगातार उस मंत्र को बड़बड़ाती रही। तभी उसे अपने शरीर पर एक बहुत ही ठंडी सी हवा महसूस हुई और उन कदमों की आ रही तेज आवाज अचानक से बिल्कुल शांत हो गई, और उस आवाज के शांत होते ही जैस्मिन ने आखिरी बार वो मंत्र बोलकर अपनी आंखें खोली और फिर से अपने खून की कुछ बूंदों को उसने उस डॉल पर डाल दिया, और गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग आत्माओं से बात करने के लिए उसने उस डॉल की तरफ देखते हुए कुछ सवाल पूछने शुरू किए। क्या इस समय मेरे आसपास कोई ऐसी आत्मा मौजूद है जो मुझसे बात करना चाहती हो? जैस्मिन के इतना पूछते ही वो डॉल अपनी जगह से घसीटती हुई यस की लाइन पर जाकर रुक गई। ये देखकर जैस्मिन बहुत एक्साइटेड हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर अब उसे एक डर भी सताने लगा। तभी उसने वहां मौजूद उस आत्मा से अगला सवाल पूछते हुए कहा, क्या तुम एक लड़की हो? इस सवाल का जवाब भी जैस्मिन को हाँ में मिला तो वो समझ गई कि ये भटक रही आत्मा किसी लड़की की है। जैस्मिन चाहती थी कि जिस उद्देश्य से इस डेथ गेम को बनाया गया है वह जल्द से जल्द उसे पूरा करे, इसीलिए उसने उस आत्मा से अगला सवाल पूछते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें मुक्त कराने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूं? जैस्मिन को लग रहा था कि इस बार भी उस आत्मा का जवाब यस में मिलेगा, लेकिन ये सवाल पूछते ही वो डॉल घसीटती हुई नो के लाइन पर जाकर रुक गई। उसके जवाब को सुनकर जैस्मिन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए उसने उस आत्मा से कनेक्शन तोड़ने के लिए उस वीडियो में बताए गए मंत्र को तेज आवाज में बोलना शुरू किया। तभी कुछ ही देर में उसे अपने कमरे में हो रही सभी हलचलें महसूस होनी बंद हो गई। उसे लगा कि गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वह आखिरी मंत्र बोलने से शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है और वो आत्मा भी अब वहां से चली गई है, इसीलिए उसने एक गीले कपड़े से जमीन पर बने उन सभी लाइंस को मिटा दिया और अपनी डोल को बाथरूम में वॉश बेसिन में ले जाकर उसे अच्छे से धोने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा होकर लगातार वॉश बेसिन पर लगे शीशे से उसे घूर रहा हो। उसने हिम्मत करते हुए जैसे ही शीशे में देखा तो शीशे में
अपने आप को देखकर डर के मारे उसकी चीख निकल गई। शीशे में बने दर्पण में उसने देखा कि उसके शरीर पर जहरीले सांप और बिच्छू लिपटे हुए हैं, और उसने चिल्लाते हुए अपनी डॉल को फेंका और अपने शरीर को बुरी तरह से झाड़ने लगी। उसकी चीख सुनकर सर्वेंट रूम में सो रही उसकी मेड दौड़ती हुई उसके पास आई। उसने देखा कि बाथरूम के फ्लोर पर जैस्मीन बेहोश पड़ी है। उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसके बिस्तर पर ले जाकर उसे सुला दिया। कुछ देर बाद एक हल्की सी आवाज से जैस्मीन की नींद टूट गई। तभी उसकी नजर उसके पास रखी उसी डॉल पर पड़ी जिसे उसने डर के मारे अपने बाथरूम में फेंक दिया था। उस डॉल को अपने बिस्तर पर देखकर जैस्मीन के पसीने छूट गए। तभी उसे अपनी आंखों के सामने किसी परछाई के होने का एहसास हुआ। उसने हिम्मत करते हुए जैसे ही उसकी ओर देखा तो डर के मारे उसकी आत्मा सिहर उठी। उसकी आंखों के सामने हूबहू उसी की तरह कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। जैस्मीन ने उसका चेहरा देखने के लिए जैसे ही अपनी नजरें उठाई तो उस लड़की के हाथों में जैस्मीन का कटा हुआ सर था। अपनी आंखों के सामने इतने भयानक दृश्य को देखकर वह बेहद बुरी तरह से चीखने लगी। तभी अचानक उसकी आंखें खोली और उसे एहसास हुआ कि वो महज एक बुरा सपना देख रही थी। चैन की सांस लेकर वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसकी मेड उसके लिए टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। उसने नाश्ता करने के लिए जैसे ही कैसरोल को खोला तो उसमें जिंदा कीड़े रेंग रहे थे और वो पूरा कैसरोल बुरी तरह खून से सना हुआ था। उसने हड़बड़ाहट में उस कैसरोल को टेबल से नीचे फेंक दिया। उस तेज आवाज को सुनकर उसकी मेड जैसे ही वहां आई तो उसने देखा कि जैस्मीन जमीन पर गिरे उस खाने को देखकर बुरी तरह से डर से चिल्ला रही है। उसने जैस्मीन को शांत करने के लिए अपने सीने से लगाया। तभी जैस्मीन को उसकी मेड का चेहरा किसी भयानक आत्मा की तरह दिखाई देने लगा। उसने जोर से अपनी मेड को धक्का मारा और भागती हुई अपने बिस्तर पर खुद को कंबल में भींच कर लेट गई। कुछ देर बाद जब उसके पेरेंट्स घर पर आए तो उनकी मेड ने उन्हें जैस्मीन की हालत के बारे में बताया। उसके पेरेंट्स ने जैसे ही उसके रूम में जाकर देखा तो जैस्मीन का शरीर बुरी तरह बुखार से तप रहा था। उन्होंने उसके सर पर ठंडी पट्टी रखी और दवाई खिलाकर उसे सुला दिया। शाम को जब जैस्मीन की मॉम उसे डिनर के लिए आवाज देने लगी तो जैस्मीन ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसकी मॉम खाना लेकर उसके कमरे में चली गई। लेकिन उसकी मॉम ने जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला तो जैस्मीन की हालत देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जैस्मीन का पैट डॉग ब्रूनो, जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी, उसी के मांस को वो बड़ी ही बेरहमी से नोच नोच कर खा रही थी। ये देखकर उसकी मॉम के हाथों से खाने की प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। तभी जैस्मीन अपनी भयानक लाल आंखों से अपनी मॉम की तरफ देखने लगी और बड़े ही भयानक तरीके से हंसते हुए ब्रूनो के मांस को खाने लगी। उसकी हालत देखकर उसकी मॉम समझ चुकी थी कि जैस्मीन के शरीर पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वो उसके रूम को लॉक करके वहां से भाग गई। उन्होंने देर ना करते हुए पासी के चर्च के फादर थॉमस को अपने घर पर बुलाया। घर में पहला कदम रखते ही फादर को उस ईविल स्पिरिट का एहसास होने लगा। वह जैस्मीन के पेरेंट्स को लेकर जैसे उसके कमरे में गए तो उन सबको देखकर वह बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी और पास में रखे एक चाकू से अपने ही शरीर पर वार करने लगी। उसकी हालत देखकर फादर ने उसके शरीर पर हॉली वाटर छिड़क दिया जिससे वो अचानक ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन जैसे ही फादर ने जैस्मीन को ब्लेस करने के लिए उसे छूने की कोशिश की तभी उसने बड़ी ही ताकत से फादर के गले को पकड़ लिया। ये देखकर फादर और उसके पेरेंट्स बुरी तरह घबरा गए। तभी उस आत्मा ने बड़े ही अजीब आवाज में फादर से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर फादर के होश उड़ गए और जैस्मीन ने खुद ब खुद ही फादर के गले को छोड़ दिया और बुरी तरह हंसने लगी। फादर ने घबराते हुए उसके पेरेंट्स से कहा, यह कोई मामूली आत्मा नहीं बल्कि शैतान है, शैतान जिसे आपकी बेटी ने ही अपने शरीर में प्रवेश करने की आज्ञा दी है। जब तक कोई इंसान शैतान को खुद अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता तब तक कोई उसके शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता और तब तक उसे इंसानी शरीर से अलग किया जा सकता है। लेकिन आपकी बेटी ने तो
खुद उस शैतान को आमंत्रित करके उसे अपने शरीर में रहने का स्थान दिया है। इसलिए अब कोई भी आपकी बेटी को उससे मुक्त नहीं कर सकता। अब तो आप गॉड से ही प्रे करें कि शैतान से वो आपकी बच्ची की रक्षा करें। फादर थॉमस की बात सुनकर जैस्मिन के मॉम डैड की आंखों में आंसू आ गए और जैस्मिन की मॉम उसके रूम में लगी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। प्रार्थना करते ही जीसस क्राइस्ट की मूर्ति से अचानक खून बहने लगा और जैस्मिन का शरीर बेहद बुरी तरह तड़पने लगा और उसे बुरी तरह दौरे पड़ने लगे। कुछ देर तड़पने के बाद जैस्मिन की हालत अब ठीक हो गई और फादर थॉमस ने उस पर होली वाटर छिड़क कर उसे ब्लेस किया। सबको लगा कि शायद अब उस आत्मा ने जैस्मिन और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। लेकिन जब अगली सुबह वो सोकर उठे तो जैस्मिन के रूम के बाथरूम में उन्हें उसकी मॉम का अमृत शरीर मिला। जैस्मिन की मॉम ने गॉड के सामने अपने बच्चे की जिंदगी मांगकर उसे बचा तो लिया था, लेकिन अपनी बच्चे की जिंदगी के बदले उन्हें शैतान से अपनी जिंदगी का सौदा करना पड़ा। जैस्मिन की यह गलती के कारण उस दिन उसने अपनी मॉम को खो दिया। उसकी मॉम को गुजरे हुए आज 6 साल बीत चुके हैं और इन 6 सालों में आज तक वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पाई है। शायद अपनी उस गलती के लिए वो आज तक खुद को माफ नहीं कर पाई है।